बुधवार को विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में मातृभाषा दिवस के रूप में किया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में बुधवार को विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष व विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अशोक कुमार सिंह ने कहा कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा दरअसल उस संस्कृति की पहचान है जिसमें खेती, किसानी और माटी की सुगंध शामिल है। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना इस भाषा के अस्तित्व का सम्मान करने के बराबर है। इस दौरान सम्मेलन में इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया, साथ ही संजवाती नामक पत्रिका का विमोचन हुआ। वहीं विश्व भोजपुरी सम्मेलन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत सिंह ने कहा कि भोजपुरी साहित्य व्यापक तथा प्रभावी है। भोजपुरी साहित्य में राजनीतिक, सामाजिक चेतना मजदूरों व किसानों के कारण आई। भोजपुरी साहित्य में साहित्य व संस्कृति बची हुई है। प्रादेशिक महासचिव ओम धीरज ने कहा कि भोजपुरी संवेदना व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। वहीं मुजफ्फरपुर से प्रोफेसर जयकांत सिंह, बलिया से आए डॉक्टर अशोक द्विवेदी, देवरिया से जगदीश उपाध्याय, सासाराम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व डॉक्टर गुरचरण सिंह ने भोजपुरी भाषा पर अपने विचार रखे। इस दौरान भोजपुरी गीतों पर कार्यक्रम का मंचन हुआ। संचालन बीएड व बीटीसी के छात्रों ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जीवनदीप शिक्षण समूह की चेयरमैन डॉक्टर अंशु सिंह ने दिया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद सिंह, उप प्राचार्य डॉक्टर नंदा द्विवेदी, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी सहित शिक्षक, कर्मचारी व छात्र मौजूद रहे। विश्व भोजपुरी सम्मेलन द्वारा जो है आज मातृभाषा दिवस का ये कार्यक्रम रहना, हर साल 21 तारीख के मातृभाषा दिवस मनाया जाला। कहें बांग्लादेश में जो लड़का बंगला के वहाँ राजभाषा बनावे खातिर संघर्ष के लिए रहना, उन्होंने गोली से हत्या हो गई है, वही दिन के यूनेस्को जो है मातृभाषा दिवस घोषित कर दिल। डॉक्टर अशोक द्विवेदी जी और जयकांत सिंह गए, कुल बिहार से 4 स्टेट से लोग आए लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से, और सब अपन अपन विचार रखल। सबसे बड़ी बात है कि 8वीं अनुसूची में आज तक ना दाखिल भेल, जबकि एक हो जाए चाहला बहुत पहले, बड़ा अन्याय होता भोजपुरी भाषा के साथ। एगो प्रस्ताव भी पारित भेल पूरा सभा से केहू तरह के जल्दी से जल्दी 8वीं अनुसूची में शामिल कर जाओ, ताकि एक संरक्षित और संदर्भ बढ़ावल जा सकते हैं।